Hello everyone, welcome back to SSC Mathon. If the angle of elevation of the sun changes from 30 degree to 45 degree, and the length of the shadow of a pillar decreases by 20 meter, the height of the pillar is. Sir, एक काम कर लेते हैं, pillar को हम लोग ऐसे denote कर देते हैं, एक height के द्वारा, ठीक है? तो 20 meter कौन सा decrease हुआ है? Sir, angle of elevation sun के 45 degree हो गया, कहाँ से sir? 30 degree था, ये 30 था, यहाँ से 45 हो गया. तो हम लोग सर एक काम कर लेते हैं, पिलर के हाइट h ले लेते हैं. तो यहाँ पे कितना लेंथ शॉर्ट हुआ है? 20 मीटर शॉर्ट हुआ है. तो ये छोटू सर लेंथ है 20 मीटर, हम लोग पकड़ लेते हैं. तो ये अगर 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल में ये अगर h है, तो ये साइड कितना हो जाएगा? h हो जाएगा, ये छोटू सर लेंथ. तो हमें क्या पता है सर? और 30 डिग्री वाले में देख लेते हैं सर, 30 डिग्री के ऑपोजिट अगर h है, 60 के ऑपोजिट कितना हो जाएगा सर? h रूट थ्री. ये h रूट थ्री है सर, ये लेंथ h रूट थ्री है. ठीक है, आप देखो सर यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एच रूट थ्री माइनस एच बराबर 20. तो यहाँ से एच इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है? एच इक्वल्स टू 20 अपॉन रूट थ्री माइनस वन. तो यहाँ से ऊपर नीचे रूट थ्री प्लस वन से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा सर? 20 रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, थ्री माइनस वन टू, तो टू टेन जर 20. तो 10 रूट थ्री प्लस वन, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर. ओके सर,